राजनीति में राजनीतिक दलों में समय समय पर उबाल आना लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कोरिया जिले में इस ठंडक भरे मौसम में एक कुत्ते ने राजनीतिक सियासत में इतना बवाल मचाया है कि इसकी गूंज राजधानी रायपुर तक जा पहुंची है। दरअसल बीते दिनों मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने सोशल मीडिया फेसबुक में एक पोस्ट डाली। पोस्ट की तस्वीर में हॉस्पिटल के बेड में एक कुत्ता बैठा था, जिसमें एमएलए ने लिखा कि भाजपा के राज में चिरमिरी के इस हॉस्पिटल में बेड में मरीज की जगह कुत्ते सोया करते थे। अब कांग्रेस की सरकार आने के बाद यहां लगातार उपचार के साथ ऑपरेशन भी हो रहा है। एमएलए की इस पोस्ट के बाद मानो कोरिया जिले की राजनीति में भूचाल सा आ गया। इसके बाद भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने विधायक की पोस्ट के फोटो को आगरा के एक अस्पताल की तस्वीर बताया है। बात यही नहीं थमी, सोशल मीडिया में घमासान के बाद भाजपा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक विनय जायसवाल के गोदरीपारा में खुले कार्यालय को घेरने की कोशिश करते हुए उनका पुतला दहन कर दिया। इतना ही नहीं, सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी बड़ा बाजार के दुर्गा पंडाल में पूर्व विधायक एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सद्बुद्धि वितरण यज्ञ का भी आयोजन किया था, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत की तस्वीर भी हवन करने के दौरान लगाई गई थी। डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि भाजपा को तकलीफ इस बात की है कि चिरमिरी में उनके विकास कार्य सोच से आगे चल रहे हैं। कोरिया से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। ये तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि एक विधायक हो के इस प्रकार की भाषा शैली उपयोग करते हैं। गाँव में एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करता है। ये बयान तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश किया गया है, बयान ज्यों का त्यों कहा गया है। उन्होंने ऐसा ही कहा है, वीडियो सभी के पास है, और उनको इस कृत्य के लिए जनता के सामने जाकर माफ़ी मांग लेना चाहिए और जनता उन्हें हो सकता है क्षमा करे। जो बातों का बतंगड़ बना के जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नीति और रीति रही है उसके ऊपर राजनीति करते हैं, जो इंसानों की जो तुलना उन्होंने जानवरों से की है, कुत्तों से की है, और उसके लिए जो आंदोलन किया है, झूठा आंदोलन किया है, उसके लिए ये एक सभा हमने आयोजित की थी जिससे हम लोगों की आदरणीय जनता को समझा सकें और इनको सद्बुद्धि मिली है। इसके लिए हमने एक यज्ञ किया और तमाम जो हमारे मुद्दे थे उसमें हम लोगों ने आहुति देके उनके सद्बुद्धि की मांग की है। ईश्वर से ये कामना की है कि भगवान हमारे प्रधानमंत्री से लेके जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय रमन सिंह जी, जिनको अभी छत्तीसगढ़ में कुछ विकास ही नहीं दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में किसानों का खुशहाली नहीं दिख रही है, छत्तीसगढ़ में जो हमारे लिए लगातार शिक्षा के लिए काम हो रहा है ये सब नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम लोगों ने उनकी एक सद्बुद्धि यज्ञ की थी और आज वो यज्ञ हमने अपने साथियों के साथ संपन्न किया। बुद्धि की बात करते हैं, बोले आपकी बुद्धि। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.